हेलो दोस्तों, स्वागत आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए, जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं उनको ये नहीं पता है, जिन लोगों की पेंशन रुकी हुई है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन आ गई है और उनको ये नहीं पता कि हमारी पेंशन कौन से खाते में आ रही है। देखिए, किसी पेंशन लाभार्थी के 3 अकाउंट है, किसी पेंशन लाभार्थी के 4 अकाउंट है और किसी को ये नहीं पता है कि मेरा इस बैंक में अकाउंट है या नहीं है। देखिए, पेंशन हो या सरकारी कोई सा भी पैसा हो, चाहे आपका सरकारी आवास का पैसा हो, चाहे आपकी गैस सब्सिडी हो, चाहे आपके मनरेगा जॉब कार्ड बोलते हैं जिसको चाहे वो पैसा हो, आपका सरकारी पैसा कोई सा भी हो, चाहे लेबर कार्ड का पैसा हो, चाहे श्रम विभाग का पैसा हो, तो देखिए वो पैसा जो आता है वो DBT के माध्यम से आता है। जब तक आपके अकाउंट में NPCI लिंक नहीं होगा, DPT लिंक नहीं होगा, तब तक आपका पैसा नहीं भेजा जाएगा, तब तक आपका पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। तो देखिए, आज की वीडियो के अंदर, इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा कि किस तरह से आप फ्री में 1 रुपया का खर्च नहीं होगा, अपने ही मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे कौन से अकाउंट में DPT लिंक है या नहीं है। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में आए बेल आइकन को भी दबा दे। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए, मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर हमारी पेंशन नहीं आ रही है, हमने KYC भी कम्प्लीट करा दी है। कोई कहता है कि हमारी गैस की सब्सिडी नहीं आ रही है, हमने KYC भी कम्प्लीट करा दी है। देखिए, अगर आपकी KYC कंप्लीट है, पेंशन की है या गैस सब्सिडी की है, और आपके बैंक अकाउंट में NPCI लिंक नहीं है, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम नहीं है, DBT लिंक नहीं है, DBT नहीं है आपके अकाउंट में, तो आपकी उस KYC का कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी सब्सिडी नहीं आएगी। अगर आपकी पेंशन है तो पेंशन भी नहीं आएगी। पेंशन चाहे आपकी दिव्यांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, कोई सी भी पेंशन हो, वो जब तक आपके अकाउंट में नहीं आएगी, जब तक आपका DBT लिंक नहीं होगा। तो वो DBT लिंक कैसे करना है, देखिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, उस आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा, जब आप DBT चेक करेंगे कि हमारे अकाउंट में लिंक है या नहीं है, तो उस पर एक OTP जाता है, वो OTP आपको वेरीफाई करना होता है, OTP डालना होता है, तभी आप जो है आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, देखिए इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि कुछ लोग ऐसे हैं पता नहीं किसकी समस्या हल हो जाए, और किन लोगों को ये नहीं पता कि हमारे कौन से अकाउंट में DBT लिंक है या नहीं है। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जो अपने सारे अकाउंट उठाए फिरते हैं कि मेरी एक किताब ये रही कि पता नहीं कौन से में पेंशन आ गई। जब आप बिल्कुल फ्री में चेक कर पाएंगे, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सारी किताबें उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप बेझिझक होकर देख सकते हैं कि मेरे इसी अकाउंट में सरकारी पेमेंट आना है, इसी अकाउंट में मेरी पेंशन आएगी, इसी अकाउंट में मेरी गैस की सब्सिडी आएगी, इसी अकाउंट में जो भी योजना होगी वो सभी इसी अकाउंट में आएगी जिसमें NPCI लिंक होगा। और जब आपका बैंक में और जो भी योजना है, जैसे पेंशन योजना हो गई, गैस की सब्सिडी हो गई, तो जब उसमें आपकी NPCI लिंक होगा, KYC कंप्लीट होगी, DBT लिंक होगा, तो आपकी कोई सब्सिडी नहीं रुकेगी, आपकी कोई पेंशन नहीं रुकेगी। कई सारे को हमने देखा है, किसी का अकाउंट गलत है, किसी का DBT लिंक ही नहीं है अकाउंट में, तो उसकी समस्या यही होती है, उसको 1-1 साल हो गया, 2-2 साल हो गया कि हमारी पेंशन नहीं आ रही, जब उसका अकाउंट में DBT लिंक नहीं है, इस कारण उनकी पेंशन नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, देखिए अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, और फ्री में मैं आपको सिखाता हूँ, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, फिर आप बोलोगे कि हमारी समझ में नहीं आया। देखिए, आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है अपने मोबाइल में, और वहाँ पर गूगल सर्च में आपको टाइप करना है myaadhar.uidai.gov.in। जैसे आप ये गूगल सर्च में लिखेंगे तो आपको इस पर सर्च करना है,
जो शुरू की वेबसाइट है आपको उसी पे क्लिक कर देना है और बाकी स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ, वीडियो को देखिए। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और एक एक प्रोसेस समझिए और फ्री में आप ये चेक कर सकते हैं। देखिए मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपको गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद गूगल सर्च में आपको यहाँ पर लिखना है myaadhar.uidai, यानी मेरा आधार वाली जो वेबसाइट है वो आपको सर्च करनी है, ठीक है। इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर की जो वेबसाइट है myaadhar.uid.gov.in, तो आपको इस पर क्लिक करना है, इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसा आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है लॉगिन, तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसा आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए एंटर आधार नंबर, यानी जो भी आपका आधार कार्ड है उस पर जो 12 अंकों का नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डालना है। और ये लिखा हुआ है कैप्चर कोड, ये कैप्चर कोड एंटर कैप्चर कोड लिखा हुआ रहा है तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। और ये लिखा हुआ रहा है लॉगिन विथ ओटीपी। जैसा आप ये कैप्चर कोड डालते हैं ये कैप्चर कोड हर मोबाइल में अलग आएगा। अगर आपकी समझ में कैप्चर कोड नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश का बटन है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो आपका कैप्चर जो है रिफ्रेश हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। जैसा आप लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी फिर आपको यहाँ पर डालना है। तो फिलहाल मैं अपना आधार नंबर डालकर कैप्चर कोड डालकर लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे मोबाइल पर ओटीपी चला गया है। ये देखिए ओटीपी यहाँ पर आ चुका है, मैसेज भी आ चुका है। मैं ओटीपी को कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है एंटर ओटीपी, जो भी आपके मोबाइल पर ओटीपी आया है वो ओटीपी यहाँ पर डालना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसा आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं थोड़ी सी सर्चिंग चलेगी, नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी, इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके ये फ़ोटो आ चुका है आपके आधार कार्ड का, यहाँ पर डाउनलोड आधार कार्ड कर सकते हैं और यहाँ पर जो आधार कार्ड को करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको ऊपर करना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एड्रेस अपडेट, अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। फिलहाल जो हमें देखना है डीपीटी देखना है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है बैंक सेंडिंग स्टेटस, तो आपको इस पर क्लिक करना है बैंक सेंडिंग स्टेटस पे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए थोड़ा सा आपको ऊपर करना है, इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कॉन्ग्रेलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर के आखिर के 4 डिजिट आ चुके हैं। बैंक नेम यानी आपका जो आधार है डीबीटी है कौन से बैंक में, यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है। और मेन चीज़ देखने की क्या है, देखिए बैंक सेडिंग स्टेटस, ये देखिए लिखा हुआ रहा है एक्टिव, यानी जो मेरी डीबीटी है वो स्टेट बैंक में एक्टिव है। और यहाँ पे देखिए कौन से तारीख कौन से सन से एक्टिव है, यहाँ पे देखिए लास्ट अपडेट डेट, ये देखिए 11/10/2017 से जो है मेरा डीबीटी मेरा आधार बैंक अकाउंट से लिंक है। तो आप इस तरह से आप अपने ही मोबाइल से बिल्कुल फ्री में ये चेक कर सकते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में कि मेरा डीबीटी है या नहीं है, एक्टिव है या डीएक्टिव है, कि आधार लिंक है या नहीं। देखिए आपके यहाँ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा जो भी आपका बैंक होगा, मेरा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एक्टिव नहीं होना का, तो यहाँ लिखा हुआ रहा है ना एक्टिव, तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा डीएक्टिव। जिन लोगों का डीएक्टिव आ रहा होगा तो देखिए उन लोगों की पेंशन नहीं आएगी। पहले आप अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक कराइए, आधार कार्ड लिंक कराइए और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कराइए, और जो आपकी पेंशन है उस पेंशन में अपनी केवाईसी नाम सेम होना चाहिए और एनपीसीआई लिंक कराना है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होता है जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं ना उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।